हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंसपुस्त होंगे, खुशखुशहाल होंगे। और मेरे यहाँ तो धूप निकल आया, आपके यहाँ क्या है पता नहीं। देखिए मेरे मुंह में कितना एलर्जी हो गया, पूरे चेहरे पर लाल लाल, देखिए रेड 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 रेड। सो के उठने के यही हाल होता है। चलिए हम नहा धो के पूजा कर लिए हैं, 9 बज गया है। हम अपने लिए चाय बना लिए हैं, मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, उनको जाना है मीटिंग में, वो चाय पी के जाएंगे, चाय और बिस्किट खा के जाएंगे। बोले वहाँ पे ही लंच वहीं पे है जहाँ उनको मीटिंग में जाना है। और बेटा गया है बैडमिंटन खेलने और हम बैठे हैं चाय और टोस्ट खाने। पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का कुछ काम करेंगे जो बनाना होगा मुझे और मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए। तो देखिए चाय पीने लायक हो गया है, टोस्ट ले लिए हैं। सबसे पहले तो ठंडा पानी पिए, मिला के पिए हैं, दो ठंडा और नॉर्मल पानी मिला लिए। उसके बाद ये सब डस्टिंग करना है, वो वाले बाद में बताएंगे, पहले हम ये चाय पी लें फिर आगे का बताते हैं। चलिए मेरा तो नाश्ता भी वो जो टोस्ट के साथ खाए थे, टोस्ट के साथ चाय के साथ टोस्ट लिए थे, सॉरी क्या बोलते हैं। तो वो देखिए मेरा चेहरा आपको दिखाते हैं उजाले में कैसा दिख रहा है ना, रेड 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 रेड, कितना जम के एलर्जी हुआ है मेरे को। एक सेकेंड, पता नहीं क्या है। हाँ तो ये मेरा पूजा रूम है। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे कि चाय के साथ टोस्ट खा लिए थे, लेकिन अब हम मेरे को भूख लग रहा है, तो कल का सब्जी जो मिक्स वेज था वो रखा हुआ है, रोटी भी एक्स्ट्रा बनाए थे तो वो भी रखा हुआ, तो हम अपने लिए नहीं बनाएंगे गरम, यही अभी खा लेंगे, चलेगा। वैसे तो बोलते हैं व्रत के दूसरे दिन फ्रेश खाना खाना चाहिए, लेकिन हम फेंके कहाँ, यहाँ तो शहरों में और ख़ासतौर पर सोसाइटी में गाय मिलती नहीं है कि गाय को दे दें, और रहा कुत्ता बिल्ली तो वो लोग छूते नहीं हैं, तो हम ही भगवान का नाम लेके खा लेंगे। तो चलिए आपको एक चीज़ बताना था, दिखाते हैं आपको। ये इसके ये यहाँ पे पूरा पलंग के पास में ब्लोअर किया, दरवाज़ा मतलब खिड़की का पर्दा ऐसा ये करके धूप आने के लिए मेरे हस्बैंड जी ने, क्योंकि आज थोड़ा धूप है, अभी थोड़ा छाँव हुआ है, मतलब कड़क धूप था, तो पूरा खिड़की में ब्लोअर किया मारा, पलंग के आजू बाजू ब्लोअर किया, फिर भी महक रही। इसको निकाल के साफ़ करना था, तो बोले कि उनका टाइम हो रहा है मीटिंग में जाने का, तो उसको देखता हूँ कल करूँगा, अभी फ़िलहाल उन्होंने कर दिया था ऊपर ब्लोअर, महक नहीं रहा था, लेकिन अभी वापस मैल आने लगा है, तो ये बोले कि कल देखते हैं, कल सुबह देख लेंगे। हमने ठीक है, तो खिड़की जस्ट अभी हमने बंद किया, पानी पेड़ में पानी डाल के, अभी यहाँ सब प्लांट में पानी डालेंगे क्योंकि 2 दिन से पानी नहीं डालेंगे। मेरी काम वाली झाड़ू पोछा करके जाएगी ना, तब हम पानी डालेंगे। तो इस रूम का चादर और हम जो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं वो सब धो दिए हैं, अभी दूसरा ट्रिप मशीन में डाल दिए हैं, वॉश होगा तो वो भी धो के बाहर ही सुखा देंगे, अभी धूप है ना आज तो सूख जाएगा। इतना रह रहे के स्मेल आ रहा है ना, तो यहाँ खड़ा होने का मन नहीं कर रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। तो चलिए हम अपने जो कल बनाए थे, आपको तो कल दिखाए थे, वो लेके बैठते हैं अपने प्लेट में, क्योंकि मेरे को भूख लग रहा है। बेटा बैडमिंटन खेल के आएगा तब पूछेंगे कि वो क्या खाएगा, तब उस हिसाब से बनाएंगे, अभी जो है मेरा वो हम खा लेते हैं। चलिए मिलते हैं खाते वक्त। चलिए मेरा अभी का रोटी, कल की सब्जी और एक केला, ये है आज मेरा अभी खाने का, बाद में जब वो बेटा के लिए बनाएंगे फ्रेश तब देखेंगे कुछ हम भी खा लेंगे, अभी फ़िलहाल यही खा लेते क्योंकि भूख लग गया जम के, इसको वेस्ट करने से अच्छा है इसको खा ही लो। तो चलिए मिलते हैं खाने के बाद। चलिए बेटा बोला पास्ता खाऊंगा, तो पास्ता बॉईल कर दिया है, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, पास्ता के साथ 2 टमाटर भी बॉईल कर दिए। अब हम बेटा नहाने गया है, जब तक वो नहा के आता है हम ऑनियन और लहसुन छील देते हैं, फिर बारीक बारीक काट देते हैं, फिर वो आएगा अपने हिसाब से बनाएगा। चलिए हम भी थोड़ा सा खाएंगे तब आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम उसको तैयारी करके दे देते हैं, वो नहाने गया है,
12 बज रहा है, नहा के आएगा उसके बाद फिर बनाएगा। चलिए चलिए, बेटा को सब तैयारी करके दे दिए हैं, अब वो आएगा तो अपना बनाएगा। हम ये डाल देते हैं क्योंकि हम टीवी देखेंगे और टीवी में पूरा लाइट आता है। तो चलो बेटा आएगा नहा के, वो बनाएगा, उसके बाद खाने बैठेंगे तब दिखाते हैं। देखिए मेरा पास्ता बन गया, पास्ता रेडी बन के, कितना टेस्टी लग रहा है। केम छो, चलिए खा लेते हैं फिर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड, शाम का 4:15 हो रहा है और हम रेडी हो गए, मेरे हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं। हम लोग जाने वाले हैं और बारडोली, वहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर है, उनका नाम हमको याद नहीं है, वहाँ जाएंगे तो हम वीडियो लेंगे तो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कौन से महादेव जी हैं। उनके मंदिर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ रुद्राभिषेक, मतलब इनके फ्रेंड ग्रुप के जितने लोग हैं फैमिली सब जा रहे हैं। मेरा बेटा नहीं जाएगा, उसको उसके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है 6 बजे, तो वो नहीं आ रहे हैं। हम और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और इनके फ्रेंड ग्रुप में जितने लोग वो सब फैमिली से जा रहे हैं। तो हम रेडी हो गए हैं, मेरे हस्बैंड जी रेडी हो रहे हैं, फिर 4 बजे तक निकलेंगे, अभी 4:15 हुआ है। वो कौन सा महादेव जी का नाम है वो बारडोली में, मेरे हस्बैंड जी को पता है, तो वहाँ में हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि अभी गुजराती लोग का सावन कल ख़त्म होगा, तो हमारा तो भादो चालू हो गया, तो हम लोग जाएंगे तो आपको वहाँ का दर्शन करवाएंगे, देखिएगा आप लोग। तो चलिए थोड़ी देर में निकलते हैं फिर मिलते हैं, रास्ते का आपको व्यू देते हुए जाएंगे। लोमास्य ने सौथी मोटी એટલે કાલે ધાન નથી ખાવાનું, આજ ખાઈને આખો દિવસ કાઢવાનો, મોટી અમાસ, કાલે બહુ ફળ મળે, તમે અપાસ કરો ને તો। कल पीपल के पेड़ में ना ये करते परिक्रमा करते हैं, जैसे अपने वट सावित्र में करते हैं ना, कल के दिन होता है, सब गणपति लेने जा रहे हैं। हमारे तो मोटी नवी सब शिवलिंग सब, हमारा पुराना सोसाइटी पे विघ्नेश्वर महावीर हॉस्पिटल के बगल में यही रहते थे ना, रेंट पर रहते तुम्हारा? नहीं, वो भी अपना, वो 1 BHK था, महावीर हॉस्पिटल के बाद जस्ट बाजू में। શું લેવાનું છે જીતુ? સમોસા ખાવા માટે, અત્યારે જ ખવડાવી દો, અત્યારે નહીં ખવડાવ, પૂજા કરી નાળા માટે લેતો, નાહ દો કે આયે પૂજા કરને ખાને નહીં, પૂજા કરને આયે કે ખાને, બાદ મે ખાયેંગે। ચીઝ સમોસા કાચા મળ સે અને સમોસા બહુ સરસ છે। ગેમ ઝોન હે ફરી આગે દેતી ઉતર મત। ओके ये अमेजिया है, अमेजिया बंद है क्या? अमेजिया ये है नहीं, एक्वा, हाँ एक्वा मैजिक, एक्वा मैजिक मैजिका कर दिया, पूरा गेट है देखिए गन्ने का, उतरी जाइए हमें बनने जाना सिटी से बाहर, અને પછી ઝાડ પર ચડીને કેરીઓ તોડીએ, ગન્ને કી ખેત, એટલે પછી સાસુ બુમો મારે, એ બાજુ વાળી જે બેન છે ને લડવા આવે ને પાર કરે, ઓલી બહુ આવે છે એમ કે કેરીઓ તોડી ગઈ, એટલે મારી મમ્મી આવે, કેટલા ગન્ના કે કેમ ગયેલી તું કેરી ખાવા, આપણે નથી લાવતા, ये क्या कौन सा है? गन्ने के खेत में, आम के बगीचे में, खेती खेत नहीं देंगे आपको यहाँ पे। ये आम का लगा है ना पेड़, आम का लगाया है तो आम का ही पत्ता लग रहा है, हाँ तो आम का ही है यहाँ पे, आम बहुत तो खेती कर रहा था उसका बता रहे थे। ये इतना पतला पतला है नीलगिरी, जिसका क्या काम आता है? ये कौन बैठा है हमारे साथ, हमारे साथ कौन है, क्या नाम है, सु नाम से बोल, स्माइल करे जी, बोल नाम बोल। हमारे पास
ये लोग काम करके जा रहे हैं कि गणपति लेने जा रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ा दिवसे आईवा ने आपणे હતું કે ચલો એકદમ ડાયરેક્ટ પ્રેશર કરીએ, એના કરતાં આપણે ભી એમના સાથે નવીનભાઈ સારું તમે જઈ આવજો, એ લોકો જે ખાય ઓર્ડર કરી દેજો, તો ક્યારેક પીઝા તો ક્યારેક શું બધું બહારથી વાગીને જમવાનું. શક્તિને કીધું કે ભાઈ તમે જે છો મને जय श्रिया राम श्री बागेश्वर महादेव मंदिर. यहाँ कीर्तन चल रहा है. हमारा तापी नदी मंदिर के प्रांगण के पीछे तापी नदी. देखिए लोग वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं संडे के हिसाब से. संडे आज ना कहो महत्व कहो एक मिनट. गुजराती में गए हिंदी में. हाँ बोलिए ये मंदिर का महत्व बताइए. ये मंदिर में हुआ ये था हजारों साल पहले यहाँ पे भीम पानी में लेट गया था. ओके उसके कारण बाढ़ आ गई थी क्योंकि वो रस्ता पानी बीचों बीच तो हाँ बीच ब्लॉक हो गया और रोड हो गया. शिवजी और पार्वती थोड़े डर गए कि ये क्या हो रहा है इतना पानी क्यों आ गया. पार्वती ने बोला कि शिवजी कुछ करो नहीं तो डूब जाएंगे. तो शिवजी ने वाघ का रूप लिया और पार्वती जी ने गाय बन के रूप लिया. अच्छा गाय भाग रही उसके पीछे वाघ बन के शिवजी को भाग रहे. तो भीम सोया हुआ था उसको लगा कि यार मैं इतना ग्यारह का दिन था वो अच्छे दिन मेरे सामने गाय का वो बात हो जाएगा तो वो निकल के वाघ के साथ फाइट करता है. अच्छा तो वाघ उसको वाघ तो शिव जी थे तो कंधा फाड़ देते हैं यहाँ पे भीम का. ओके तो बाद में जब उसको दर्शन देते हैं भीम को वरदान मिलता है तो फिर भीम का ये तो नाम वाघेचा नाम पड़ गया. वाघ हाँ वाघेचा महादेव मंदिर बहुत अच्छा कहानी है. बागेचा गांव के बागेचा महादेव मंदिर सब मंदिर का कोई ना कोई कहानी है. आरती हो गई इसलिए खत्म हो गया क्या? अभी आरती का टाइम है इसलिए कीर्तन बंद. दूर दूर से लोग आते हैं. चलिए अभी श्रृंगार हो रहा है महादेव जी का फिर आरती होगा तब आएंगे. हठीला हनुमान जी श्री हठीला हनुमान जी लड्डू गोपाल श्री राम छे 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 कृष्ण 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 कृष्ण
चलो घरे जाइए। आरती में अभी टाइम है, 8 बजा देंगे लोग आरती करने में। चलिए हम लोग सब खाने बैठे हैं, अभी खाना थाली आया है, काठियावाड़ी खाना खाने बैठे हैं, ऑर्डर दे दिए हैं ढाबा पे, अभी ऑर्डर आएगा फिर हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग क्या खाने बैठे हैं। ये दो प्राणी को खाना नहीं है, ये लोग ने मंदिर में ही खा लिया प्रसाद, इसीलिए फुल महाप्रसाद। बैंगन भरते, बैंगन आलू की सब्जी, पूरी और कड़ी खिचड़ी खा, ये लोग का हो गया। अब हम लोग की बारी, हमारा आना वाला है खाना। बहुत भीड़ है गांव में, सोचो इतना भीड़ है, शहर में क्या हाल होगा, गांव को नहीं छोड़ा लोगों ने। ये लहसुनिया काजू रोटी मंचूरियन, अभी दाल खिचड़ी बाद में, इसको खाने के बाद। चलिए खा लेते हैं फिर मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम सब घर आ गए, घर आके चेंज कर लिए, बहुत थक गए हैं। गाड़ी में बैठने बैठ के जाना आना बहुत थकान हो जाता है, और रोड में इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, गणपति आगमन हो रहा है तो हर जगह इतना ट्रैफिक की क्या बात है। अब इतना नींद आ रहा, बेटा अभी तक आया नहीं है बर्थडे पार्टी से, बर्थडे पार्टी में गए हैं, वो बर्थडे पार्टी से आए, उसके बाद हम तो सोने जा रहे हैं, क्योंकि सो जाते हैं ब्लॉग कल अपलोड करेंगे, क्योंकि आज एकदम हिम्मत नहीं है। अभी हम सीधे सोएंगे और सवेरे उठेंगे, सवेरे हमको डॉक्टर के पास भी जाना, तो फटाफट हमको काम निपटाना है। तो चलिए ये ब्लॉग आज का यहीं तक का था, और यहीं एंड करते हैं हम। जो भी मेरे चैनल पर नहीं जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू अगेन, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।